हाय बोल हाय। ऑलराइट गाइस, सो आई एम बैक विथ अनदर व्लॉग। और बारिश भी आ रही है और COVID-19 का भी मौसम है। और आज हम लोग जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, या स्ट्रीट कैट्स तो नहीं कह सकते, बेसिकली स्ट्रीट डॉग्स को, बट आज हम लोग फीडिंग कराने वाले। तो ये एक छोटा सा वीडियो, और इसके बाद में मैं बहुत सारी चीज़ें जो एनिमल क्रुएल्टी पे है, या हम कैसे स्ट्रीट डॉग्स को फीड कर सकते गाइस। सो मेरे यहाँ पे इतने ही डॉग्स थे, मतलब बारिश आ रही है ना, तो मोस्टली सब डॉग्स कहाँ पे छपरे के नीचे रह गए, सो वो लोग बाहर नहीं आए गए। सो अभी जैसे ही बारिश बंद होगी मैं वापस आऊँगा, बट ठीक है अभी वो चीज़ तो। और मेरे को जो मेन टॉपिक पे आज बात करनी है आप लोग से, मेन जो मेरा मोटो था ये व्लॉग बनाने का, वो है कि अभी ये COVID-19 के चलते, या इसके पहले से जो एनिमल्स पे क्रुएल्टी हो रही है, जैसे एनिमल क्रुएल्टी वो तो अब तक चल ही रहा है, ठीक है, उसका कोई एंड नहीं आया इसमें। और बहुत सारे इंस्टास पे भी, इंस्टाग्राम पे भी हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अभी उसको अपेरेंटली ऑन दिस स्टेज, लाइक अभी के लिए हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते। हाँ, अगर सब यूथ मिल के करे वो डिफरेंट कंसेप्ट हो गया, बट टू बी प्रैक्टिकली एक बंदा अभी कुछ नहीं कर सकता है। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो मैं पर्सनली मानता हूँ कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए है और हमें करनी चाहिए, ताकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाली है, बीमारियाँ उनसे वो बच सके। अब जैसे कि पहली चीज़ है, अगर आप कोई भी स्ट्रीट डॉग को देखते हो तो उसको सिर्फ दूध मत देना। स्ट्रीट एनिमल्स कोई भी हो, कोई भी एनिमल, उसको सिर्फ दूध मत देना, पानी ऐड करके ही देना। सिर्फ दूध उनके लिए टॉक्सिन हो सकता है, ठीक है। और गाइस, आप लोगों को पता है स्ट्रीट एनिमल्स को फीड करना क्यों मेन नेसेसरी पॉइंट बनता है? क्योंकि वो लोग रोज़ खाना हॉन्ट करते हैं, ठीक है, उनको मिलता नहीं है पर्सनली, मतलब कोई आके उनके लिए स्पेशली फूड देता नहीं है, जैसा वी ह्यूमंस कैन कुक वो लोग नहीं बना सकते। और सेकेंड मेन रीज़न ये है कि हमें उनमें फूड करना चाहिए, क्योंकि डॉग्स, कैट्स और वैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं ना, खुद को खा सकते हैं, और मतलब लिटरली खा सकते हैं जब तक वो मर ना जाए उतना।
खुद के हंगर के कारण। और भूख ऐसी चीज़ है ना जो ह्यूमंस को पता ही है क्या है, तो सेम अप्लाइज टू एनिमल, उन लोगों को भी भूख लगती है। तो वो चीज़ एक हम बिस्किट का छोटा पैकेट भी ले सकते हैं ना, वो भी हम उनको फीड करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, 5 या 10 रुपए का आता है वो चीज़। बट जितने भी स्ट्रीट एनिमल्स मिलते हैं उनको फीड करा सकते हैं। और बिस्किट्स अगर आप लोग फीड कर रहे हो तो उसमें भी एक चीज़ याद रखना, अगर हाँ डॉग बिस्किट या डॉग फूड है तो डिफरेंट थिंग होगा, अगर कोई भी बिस्किट ले रहे हो तो वो चीज़ याद रखना कि कोई बिस्किट फ्लेवर्ड ना हो और ग्लूकोज के ही बिस्किट हो और उसमें ज़्यादा शुगर कंटेंट ना हो, क्योंकि ये सब डॉग्स और एनिमल्स के लिए बहुत बुरा होता है। ऑल राइट गाइस, विद दैट सेट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। और हाँ एक और चीज़, एनिमल क्रुएल्टी के रिलेटेड ही मैंने इंस्टा पे एक पेज है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो करना। बेसिकली वो पेज से हमारा ये मोटो है कि जो मुंबई में एनिमल क्रुएल्टी हो रही है, अगर आपके इर्द गिर्द कहाँ पे भी हो रही है तो आप लोग वो पेज पे DM कर सकते हो, तो हम वहाँ पे आके वी कैन रेस्क्यू दैट एनिमल, ठीक है। और दूसरी ये बात है कि इसके ही रिलेटेड हम लोग ने UR कैप्चर करके एक वेबसाइट है और उसका यूट्यूब पेज है, उसके साथ हम लोग ने शॉर्ट फिल्म बनाई है, वो नेक्स्ट संडे अपलोड होने वाली है, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब आएगी तब, और या तो नेक्स्ट व्लॉग में, मैं हाँ नेक्स्ट संडे तो नेक्स्ट व्लॉग में दूंगा। और मेरे को पता है मैं बीच बीच में बहुत सारे गैप्स लेता हूँ व्लॉग डालने, दूसरे व्लॉगरों की तरह मैं रोज़ रोज़ नहीं डालता, सो सॉरी फॉर दैट, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अब से एवरी वीकेंड मैं कुछ ना कुछ अपलोड करता रहूँ। विद दैट सेड, चलो थैंक यू, बाय।